हाँ अमर सिंह जी जी, जय हिंद। जय हिंद भैया जी। हाउ टू सी के चैनल से बोल रहा हूँ, यूट्यूब। जी जी शायद जी आप जानते होंगे मुझे। जी जानता हूँ जय हिंद भैया। और बढ़िया कैसे हैं। हैं? आपसे पहले एक बार जी बात हो चुकी है। जी जी मैंने जवानों से वादा किया था कि आपको चैनल पर लेकर आएंगे, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही कि वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपका इंटरव्यू एक डाला जाए ऑडियो के माध्यम से। देखिए, चलिए चलिए, अच्छी बात है साहब सबसे पहले आपकी परमिशन लेना चाहूंगा, आपका ऑडियो जो है रिकॉर्ड हो रहा है। दूसरी बात, जी। अगर आप परमिशन देंगे तो आपका मोबाइल नंबर भी मैं अपने डिस्प्ले पर दिखाना चाहूंगा, जी स्क्रीन पर, बिल्कुल बिल्कुल दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ताकि जवान जो है डायरेक्ट आपसे जुड़ सकें, है जी 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 ना? जरूरी है। जी और मुझे जानकारी मिली थी कि कोर्ट में केस चल रहा है, जो जिसकी पैरवी आप खुद कर रहे हैं, जी जी है ना? तो उसके बारे में भी जानूंगा, बहुत सारे सवाल आपसे पूछना है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा, आप अपने बारे में बताइए, ताकि जवानों को पता चल सके कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ ड्यूटी चल रही है, क्या क्या आगे की प्लानिंग है। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मैं फिलहाल जनपद बरेली से हूं जी, और विकास खंड पड़ता है जनपद बरेली में, फतेहगंज पश्चिमी। अच्छा, फतेहगंज पश्चिमी विकास खंड पर मैं ब्लॉक कमांडर के पद पर कार्य कर रहा हूं। वेरी गुड। और मैं कोटा में 2000 वर्ष 2018 में गया था। 2018 में। जी, 2018 में मैंने कोटा केस किया था, जी, उसका था मुकदमा संख्या 27684। वेरी गुड। तो उसमें जो है 7 जनवरी 2019 को उसमें आदेश आया था कि जी पीआरडी जवानों का भी विधिवत मूल्यांकन करते हुए समान कार्य का समान वेतन व अन्य सुविधाएं बिल्कुल प्रदत्त कराई जाएं। जी, ये आदेश सीधे सीधे मतलब सरकार ने किया, मतलब कोर्ट ने किया था सरकार के लिए। तो विधिवत मूल्यांकन श्रीमान जी हमारा तो नहीं हुआ जी और कुछ भी नहीं, उसमें जो है आदेश हमने पहुंचाया, वाई रजिस्ट्री माननीय प्रमुख सचिव को ही पहुंचाया था और मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया था। जी उसमें 3 महीने का समय दिया गया था। जी 3 महीने बीत जाने के बाद हमने तीसरे महीने के लास्ट में रिमाइंडर दिया हमने माननीय प्रमुख सचिव महोदय को, जी श्रीमान जी हमारे इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है, कृपया अवगत कराने का कष्ट करें, लेकिन हमें कोई भी बात या कोई भी कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया। तो जब 4 महीने बीत गए तब हमने एक रिमाइंडर और दिया पुनः, जी उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने जो है कोर्ट ऑफ कंटेप्ट किया। अच्छा, हाँ, कोर्ट ऑफ कंटेप्ट में मतलब हमें मिला नंबर 6471। 6471। जी, उसमें कोर्ट ऑफ कंटेप्ट में जब हमारी तारीख पड़ी, इनको हमने पार्टी बनाया। फिर पहले तो हमने किया था मान लो अपने नाम से और उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से। जब उस पे कोर्ट ने आदेश कर दिया, फिर हमने पार्टी बनाया, तो श्रीमती प्रमुख सचिव श्रीमती डिम्पल वर्मा जी को, अच्छा, डिंपल वर्मा जी को बनाया। हाँ, उनको हमने पार्टी बनाते हुए अपना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। उसमें तारीख भी पड़ी थी कई, तारीख पड़ने के बाद में इनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि पेश हुआ और कोर्ट ने जवाब मांगा, तो इन्होंने वहां पर जाकर ये अवगत कराया कि मुकदमा संख्या 27684 के अनुपालन में ही 2 फरवरी 2019 को आपने हमें 3 महीने का समय दिया, लेकिन हमने मात्र 1 महीना के अंदर ही पीआरडी जवानों को तीन तीन हर थाने में और 25 और 50 जिलों में, मतलब मंडल के जिलों में 50 और अन्य जिलों में 25 25 ड्यूटियां यातायात में लगा दी। लगाई गई हैं और इनका मानदेय 250 से बढ़ाकर 375 कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में हम पे कोर्ट ऑफ कंटेप्ट नहीं बनता, कृपया कोर्ट ऑफ कंटेप्ट खारिज करने का कष्ट करें, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। अच्छा, हाँ, माननीय उच्च न्यायालय को। तो हमारे वहां पर हमारे अधिवक्ता महोदय ने उसमें दलील दी कि श्रीमान जी हमने 2 बार रिमांडर दिए, 3 महीने का समय दिया, अगर उसी के अनुपालन में अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई तो क्या कोर्ट को अवगत कराया गया या हमारे मतलब याचिकाकर्ता को अवगत कराया गया कहीं से कहीं तक? तो वो उन्होंने यहाँ तो सबूत नहीं दे पाए। हाँ, लेकिन अगली तारीख का उन्होंने सब फिर समय ले लिया, 4 दिसंबर मतलब अगली तारीख का, कि ठीक है जी, साहब हम 7 सबूत पेश करेंगे। ठीक है। तो अगली तारीख लगी थी 4 दिसंबर 2019 की। अच्छा, हाँ, तो 4 दिसंबर को जब तारीख लगी तो ये लोग अपना लिखित में लेके आए थे। हाँ, और एक कॉपी उसमें हमें भी दी, हमारे वकील साहब को भी दी,
और उसको देने के बाद में फिर उन्होंने क्या काम करा कि उसमें एक लेटर और भी लेके आए थे कि तो कोर्ट ने पूछा ये ठीक है ये तो आपने कार्रवाई करी है लेकिन कोर्ट ऑफ कंटेप्ट में मतलब इनका बनता है क्योंकि आपने इन्हें कोई सूचना नहीं दी और दूसरा यह है कि इनका समान कार्य का समान वेतन विधिवत मूल्यांकन करने का आदेश किया था कोर्ट ने। बिल्कुल समान कार्य समान वेतन। हाँ समान वेतन। तो क्या आपने चलो किसी और का करा ना करा होमगार्ड जवानों का ही इनसे कर लेते। होमगार्ड तो, के बराबरी कर लेते। हाँ होमगार्ड के बराबरी कर देते। ये बात कोर्ट ने खुद कही। खुद कही कोर्ट ने। अच्छा अगर इनका तो उन्होंने कहा साहब कि इसकी फाइल जो है प्रक्रिया जो है शासन स्तर पर विचाराधीन है ये शासन जब चाहे कर दे हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। हमने तो उन्होंने एक लेटर भी दिया चुकी है। हाँ इन्होंने एक लेटर भी दिया था उसमें कि समान कार्य के समान वेतन की प्रक्रिया शासन स्तर पर विचाराधीन है। अच्छा अच्छा। हाँ इन्होंने खुद लिख के दिया है और ₹500 लिखा था उस टाइम 2020 में भी इन्होंने। अच्छा 500 तो अभी इलेक्शन के अभी थोड़ा सा दिन पहले मैं देख रहा था जो अनुपूरक बजट आया था उसमें कहा जा रहा था कि ₹500 हो गया वो अभी तक लागू हुआ नहीं। कुछ हुआ? नहीं साहब कुछ नहीं। ₹500 तो आप देखिए साहब ₹500 2016 का है। 2016 का है। हाँ दो वो तीन 250 से बढ़ाकर जो 375 हमारा किया है वो दो वो 375 2016 16 जून 2016 का आदेश है हमारा। 16 में शायद होमगार्ड्स को भी ₹500 मिलते थे। हाँ हाँ तो उस टाइम का आदेश है हमारा इनके पास लेकिन इन्होंने कहीं भी कोई फाइल हमारी आगे नहीं बढ़ाई। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारा होता वेतन। जी जी श्रीमान जी सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि इतना मतलब हमारे प्रति इतना वफादार है वह कल्याण विभाग कि हम तारीफ नहीं कर सकते। सही। उससे पहले हम जब हम भर्ती हुए थे स्वयं ने हमने ₹2 सीनियरिटी के रूप में होमगार्ड से ज्यादा पेमेंट लिया था। अच्छा इतना वफादार है तभी आप लोग मांग कर रहे हैं कि भैया। हाँ बस इतना वफादार है। हाँ इसीलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें युवा कल्याण से अलग किया जाए। सही है श्रीमान जी। हाँ और इतना और वफादारी आपसे अपडेट चाहूंगा जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि डेट पड़ी है वो कौन से केस की डेट है इसी केस की है। अब आप देखिए। हाँ अब मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि जब उसमें इन्होंने कंटेप्ट को खारिज करने को किया लेकिन कोर्ट ने हमें जो खुला छोड़ा हमारा कंटेप्ट खारिज नहीं किया। वेरी गुड। इनसे कह दिया कि ठीक है आपने प्रक्रिया करिए तो इन्हें अतिशीघ्र उपलब्ध कराइए और जवानों को हमें खुला छोड़ दिया कि आप अगर ये लोग ये कह रहे हैं कर रहे हैं मगर ये नहीं कर रहे हैं तो आप कोर्ट ऑफ चैलेंज में आए हमारे पास। अच्छा तो श्रीमान जी वो 4 महीने तो बीत गए लेकिन वो 4 महीने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर आ गया ये लॉकडाउन लग गया कोविड-19 के चक्कर में 2020 भी चली गई और 21 भी लगभग आधी चली गई। जी तब हम कोर्ट में नहीं जा पाए लेकिन जैसे ही ये सितंबर में हमारा कोर्ट वो खुले हाँ तब हम कोर्ट ऑफ चैलेंज में पहुंचे हुए हैं साहब। अच्छा कोर्ट ऑफ चैलेंज में सुप्रीम कोर्ट में। नहीं सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं गए अभी। हाई कोर्ट में। अभी हाई कोर्ट में क्यों हाई कोर्ट नहीं हमारी। तारीख कब है इसकी। इसकी 23 नवंबर तारीख है श्रीमान जी। अच्छा इसमें मेन मुद्दे क्या रखे हैं आपने। इसमें सबसे पहला मुद्दा तो हमारा यही है साहब कि इनकी कृपा दृष्टि से हमें बचाया जाए। अच्छा युवा कल्याण विभाग को अलग किया जाए। अलग किया जाए सबसे पहले उसके साथ। हाँ लेकिन प्रमुखता के तौर पर अगर जब तक करना चाहे वो करें सरकार करे लेकिन मेन बिंदु हमारा ये है कि हमें जो है फिलहाल नियमित रोजगार और समान कार्य का समान वेतन मतलब 100% ड्यूटी मिल जाए। जी जी और समान कार्य के समान वेतन। अच्छा वो समान कार्य आप किससे मान रहे हैं होमगार्ड से। देखिए साहब होमगार्ड से तो हम नहीं मान सकते क्योंकि होमगार्ड से हम सीनियर हैं। अच्छा अच्छा आप लोगों का पहले बना था विभाग। हमारा विभाग देखिए साहब 1935 का हमारा गठन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अच्छा अच्छा। हाँ और जब नेताजी का इधर उधर वो मामला जब देश का बंटवारा हुआ उसके बाद जो है नेताजी से संबंधित किसी भी नाम का किसी भी फोर्स का किसी भी मतलब उस समय की सरकार को ये मतलब जो है अच्छा नहीं लगा। तो मैं ये मानूं कि मतलब आप ड्यूटी कर रहे हैं कांस्टेबल के बराबर तो कांस्टेबल के पुलिस कांस्टेबल का आपको वेतन मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उत्तर प्रदेश को होमगार्ड भी इसी को मांग कर रहे हैं इसी को फिर से जा रहे हैं कि भाई हम ड्यूटी कर रहे हैं कांस्टेबल के बराबर उनको फॉलोअर का दे दिया गया है। जी 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 ये गलत है वैसे मेरे हिसाब से। और आपकी इस पर क्या राय है। हमारी राय तो साहब यही है हमें पुलिस बी का दर्जा प्राप्त है सर। जी जी श्रीमान जी पीआरडी को पुलिस बी का दर्जा प्राप्त है। 1950 तक पीआरडी ने थानों की कमान संभाली है। वेरी गुड। हाँ थानों में थाना ऑर्गेनाइजर के पद पर तैनात हुआ करते थे उस टाइम हम। अच्छा पीआरडी के बारे में मेरी ज्यादा जानकारी नहीं है एक बात और पूछना चाहूंगा उत्तर प्रदेश में पीआरडी के कुल कितने एक्टिव जवान है इस वक्त। इस टाइम लगभग कुल मतलब पूरे तरीके से एक्टिव जो है लगभग 45,000 जवान है लगभग एक आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ 45,000 के आसपास। और निष्क्रिय जवानों को अगर लगाया जाए तो ये संख्या लगभग 80,000 के आसपास पहुंचेगी। 80,000 के आसपास हैं। जी जी।
अच्छा हाँ, अच्छा लेकिन मतलब कुल पद वैसे कितने हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ पता है उत्तर आपको? प्रदेश में पद तो देखिए आप, हमारी कंपनी में 105 जवान हुआ करते हैं श्रीमान जी, जी, तो 105 जवान एक कंपनी में होते हैं और हमारे जनपद बरेली में ही 15 कंपनी बन सकती हैं। वेरी गुड, अब 15 कंपनी के बहुत हिसाब से जवाब। हमारे जनपद बरेली में लगभग 1800 जवान होने चाहिए। अच्छा, कितने परसेंट ड्यूटी मिल रही है लगभग आपके अंदाजे ड्यूटियां में? तो साहब इस टाइम ये मान के चलो कि 50% ड्यूटियां लगभग हैं हमारे जनपद में। अच्छा, साल में कितनी ड्यूटी मिल जाती है लगभग, कितने साहब महीने की? साल में तो ये देखिए साहब, कुछ जवानों को तो 2 से 3 महीने ही ड्यूटियां मिल पाती हैं। ये तो बहुत बुरे हाल है फिर, ये कैसे बहुत अपने बुरा, परिवार बहुत का बुरा पालन हाल है पोषण साहब। करते हैं? हाँ, हमारी हमारी मंडल का जिला है पीलीभीत, वहाँ श्रीमान जी 800 लग के लगभग जवान हैं जी और ड्यूटियां मात्र 225 या 20 के आसपास चल रही हैं। आप देखिए बाकी जवान खाली जी बैठा जी है, 1 महीने 2 महीने अगर किसी को बताइए ड्यूटी मिल जाए तो बताइए। बहुत है साहब, ये स्थिति है। अरे मुझे तो, अच्छा मुझे, मैं मतलब यार अपने घर में भी काम कराया, मजदूर भी 450 रुपये ले जाता है मुझे ले यार। बड़े मुझे आराम से अफसोस होता साहब, है कि बहुत आप ही लोग आराम वर्दी से हम। पहनते हैं, और वर्दी पहनने के बाद 375 रुपये अपने आप में एक बहुत मायने रखता है यार। तो अब उसी बात को लेकर हम भी आपके चैनल के माध्यम से माननीय योगी सरकार से ये कहना चाहेंगे कि देखिए आप जो हैं विकास पुरुष हैं और हमारी सरकार में, इसमें हम तारीफ करेंगे यहाँ पर योगी सरकार की कि इसमें हम दिखाई दिए हैं। इससे पहले की सरकारों में हम दिखाई नहीं देते थे, थानों में ड्यूटियां नहीं नहीं, थी, योगी यातायात में सरकार ड्यूटियां ने नहीं थी। काफी सराहनीय काम किए हैं, काम उनके लिए किया मैं भी है। तारीफ करता हूँ, चाहे वो होमगार्ड्स हो, चाहे हाँ, पीआईडी किसी हो, का कोई भी हो, भी हो, सब सब तरफ विकास किया है, सब सबका तरफ। सबका सबका हाँ विकास हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल, हकीकत है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी पीआरडी जवान जो है साहब पिछड़े बहुत हुए हैं, अपेक्षित है, बहुत पिछड़े अपेक्षित हुए है। हैं, अभी भी पिछड़े हुए हैं, काफी हाँ पिछड़े हुए हैं, काफी तो जरूरत है उनको। हाँ, उनको इतनी जरूरत है अच्छा, मैं एक कम बात से और कहना चाहूंगा यार, कम। मेरे मतलब एक मेरी खुद की एक सोच है जी कि जो काम कोर्ट से होना होता है, मतलब जी 100% है कि आपको भी मिलेगा और होमगार्ड्स को भी जी मिलेगा, 100% समान जी कार्य समान वेतन मिलेगा, जी 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 ठीक है, तो क्यों ना सरकार खुद करके इसका श्रेय अपने ऊपर ले ले, अपने क्योंकि ऊपर ले ले, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, सरकार अपने ऊपर ले ले। तो साहब आज देखिए, नहीं तो कल तो करना ही पड़ेगा कोर्ट करना के है, करना आदेश के बिल्कुल बाद, करना पड़ेगा श्रीमान है जी, ना। करना पड़ेगा। और और ये पीआरडी हो चाहे होमगार्ड्स हो, अच्छा हाँ खासा जी वोट बैंक होता जी है इनका, अच्छा जी 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 खासा जी वोट बैंक है, और इसका अब फायदा विधानसभा चुनाव में सरकार को हाँ, मिल सकता है। इसका इस टाइम मैं आपको यहाँ पर एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए होमगार्ड तो शहर में भी है और देहात में भी है, और जी पीआरडी एक ऐसा फोर्स है जो केवल और केवल देहात से जुड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये भी है, फिलहाल ग्रामीण तो क्षेत्रों में आता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना फैला हुआ है जी और जी पीआरडी जवान है, उसके परिवार हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, इतना वोट बैंक है इस टाइम, मतलब पीआरडी जवान जो है काबिले तारीफ का काम कर रहा है, योगी सरकार की बहुत जी जी सराहना कर रहा है। जी अच्छा, और 23 नवंबर को तारीख है कोर्ट में, जी, क्या लगता है सुनवाई होगी कुछ या तारीख आगे सुनवाई तो बढ़ेगी? श्रीमान जी इसका तो आदेश 7 तारीख को, पिछली 7 तारीख जो गुजर गई जी उसको ही हो जाना चाहिए, लेकिन साफ दुर्भाग्य हमारा रहा कि माननीय उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश थे जी उनका ट्रांसफर हो गया उच्च न्यायालय दिल्ली के लिए। अच्छा, हाँ, अब वहां पर श्री सरल श्रीवास्तव जी आए हैं, तो जी, पिछली 7 तारीख में तो उन्होंने हमारी फाइल को पढ़ा और मुख्यालय से भी हमारा जो पीआरडी एक्ट का अध्ययन के लिए मांगा है माननीय उच्च न्यायालय ने, जी और हम लोगों से सबूत मांगे थे तो मुख्यालय से पीआरडी एक्ट 1948 की प्रति भी आ गई है, हम लोगों ने भी अपने सबूत पेश कर दिए हैं कोर्ट में। जी जी अब उस पे हमारा तो जहां तक अनुमान है और हम ऊपर वाले से एक आशा भी रखते हैं कि 23 जनवरी को जहां तक है हमारा आदेश हो जाएगा, 23 जनवरी है, वो सॉरी 23 नवंबर। 23 नवंबर को है ना? हाँ, हाँ, 23 नवंबर। जैसे ही होगा केस तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, हाँ ताकि हमारे सभी बिल्कुल जवानों को करेंगे। पता भी चल सके, है ना। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। मुझे भी पूरा 101% श्योर है कि समान कार्य समान वेतन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भाई, ये तो हाँ, है ना। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है, कह भी रही है। हाँ, तो जब खुद कह रही है तो जाहिर सी बात है फिर तो फायदा मिलेगा ही, ये अच्छा, तो। लेकिन यहाँ वो कहते पर ना, सब्र का फल थोड़ा मीठा होता है, कोर्ट के मीठा। मामले हाँ थोड़े से लेट हो जाते हैं, लेकिन जी हाँ होते बढ़िया है, जी, ये अच्छा सही यहाँ है। पर मैं एक ध्यान और करना चाहूंगा जी कि अब देखिए कि योगी सरकार ने हमारे लोगों के उत्थान के लिए सभी पूरे प्रदेश में 564 के आसपास बीओ की भर्ती की थी, जिन्हें क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी कहते हैं। अच्छा, हाँ, अब आप देखिए 3 से 4 महीने हो गए जी उन बीओस को आए हुए, जी लेकिन पूरे प्रदेश में कहीं भी पीआरडी जवानों के हित के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, उनकी ड्यूटी के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, पीआरडी जवानों के ऑनलाइन डेटा फिटिंग के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, केवल और केवल युवा कल्याण के खेलकूद के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। अच्छा, दो हाँ, विभाग एक में मर्ज हैं,
मर्ज नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि 1952 में फिजिकल ऑफ कल्चर को प्रांतीय रक्षक दल में विलीन किया गया था साहब। ये तो गलत है। हाँ, अब प्रांतीय रक्षक दल में विलीन किया गया था तो फिजिकल ऑफ कल्चर को किया गया था, ना कि पीआरडी को। जी जी। अब यहाँ पर इस फिजिकल ऑफ कल्चर ने क्या किया है कि प्रांतीय रक्षक दल को तो मतलब राहत मतलब कहीं दूर की कौड़ी, इसको इन्होंने एक योजना में दिखा दिया इलाके। अच्छा, पीआरडी को विभाग नहीं रखा है। पीआरडी का उद्देश्य क्या है? पीआरडी का उद्देश्य साहब ग्रामीणों में आत्म सुरक्षा, आत्मरक्षा, हाँ, और आंतरिक सुरक्षा, पुलिस के साथ सहयोगार्थ की मतलब ड्यूटी करना, पुलिस की तरह सारे कुछ मतलब पूरा पूरा मिला के कांस्टेबल की तरह, पूरी कांस्टेबल की तरह काम करना है। जी जी। लेकिन युवा कल्याण विभाग का उद्देश्य क्या है? युवा कल्याण विभाग का केवल और केवल खेलकूद कराना। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज है उनकी, युवा कल्याण विभाग का स्टेडियम बनवाना, उसमें खेलकूद कराना। ये तो फिर कहीं ना मतलब कहीं से भी बिल्कुल मेल मिलाप नहीं खा रहे हैं। कुछ नहीं, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, ये युवा कल्याण का काम है, लेकिन ये सारे काम ये तो नहीं कर पाते, ये सारे काम पीआरडी से कराते हैं। ये बहुत गलत है, इतना गलत लाके कर दिया कि इन्होंने इतनी कृपा करिए, इतनी कृपा करिए कि हमारे शस्त्र भी हर जगह हर जनपद में पुलिस लाइन के उसमें जमा है। अच्छा। हाँ, हमारे हमारी बरेली में भी मतलब 211 राइफलें हैं। अरे हाँ, और रिवाल्वर भी है दो। लेकिन युवा कल्याण का इतना उपकार रहा है कि आप ये समझो कि उन्होंने हमारी तरफ कतई ध्यान ही नहीं दिया है। बिल्कुल सही है। चलिए, मैं 23 तारीख को आपसे संपर्क करूंगा। बहुत सारी जानकारी हमारे जवानों को भी मिल गई और आपके बारे में भी पता चल गया जवानों को। जी जी जी। और आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप जो समान कार्य समान वेतन कोर्ट से मांग रहे हैं वो जल्दी ही मिल जाए। और 23 तारीख को मैं आपको संपर्क करूंगा फिर से। मैं चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से डायरेक्ट जवानों तक पहुंचें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपके व्हाट्सएप आईडी पर फोटो लगा हुआ वो यूज करूं या कोई और फोटो भेज रहे हैं आप मुझे? फोटो मैं भेज दूंगा आपको, वर्दी वाला भेज दूंगा। अभी भेज दीजिए फौरन, क्योंकि वीडियो एडिट करके मैं चैनल पर अपलोड करूंगा। चलिए अमर सिंह जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप इसी तरीके से संघर्ष करते रहिए पीआईडी के लिए, एक ना एक दिन जरूर हमें मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद सर, जरूर तरक्की मिलेगी। ओके, थैंक यू अमर सिंह जी। जय हिंद, जय हिंद भैया, जय हिंद।